सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की, गुरु व लक्ष्मी नारायण जी की अमृत वाणी, उनके विचार, उनके भाव और उनके अर्थों का वर्णन और विवरण और व्याख्या दिलीप भैया के द्वारा कॉल पर हम सभी भक्तों के लिए, कहीं भी कोने में किसी भी देश में हों, सभी के लिए। और आज का विषय है कल्कि भक्तों के दिन अच्छे आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। महाराज के चरणों में मस्तक रखे हुए जय कृष्ण जय जगतपति पद्मापति जय रमापति कहे चले जाएं, कोई भी आए कह दे, हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। हम विधाता से अपने माथे में कल्कि नाम लिखवा कर आए हैं, किसी की 100 बार गर्ज पड़े हमारे साथ बैठकर कल्कि कल्कि करे, नहीं तो अपना रास्ता ना पे। ये मंत्र और भगवान के चरण, भगवान का ध्यान, यही हमारा तोसा है, यही हमारा भरोसा है, यही हमारा हथियार है, यही हमारा लोक है, यही हमारा परलोक है। कल्कि भगवान ही हमारे हृदयेश्वर हैं, यही हमारे प्राणेश्वर हैं। कल्कि भगवान ही हमारे ज्ञान ध्यान के मूल स्रोत हैं, मूल कारण हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, यही हमारे पति हैं। जो विद्या उनसे परे हटाए वह अविद्या है, राक्षसी माया है। हमारे भगवान हमें आत्मज्ञान सिखाते ही नहीं, समझाते ही नहीं, दिखा देते हैं। हम उनके दोनों रूप, सगुण रूप निर्गुण रूप, उनकी चरणों का नमस्कार करके उनकी बदौलत देख चुके हैं। भगवान का काम नजदीक आ रहा है, अब समय भूलने का कम है, नाम उच्चारण करने का अधिक है। दिन देवता लोगों के अच्छे आ रहे हैं, भक्तों के भी दिन अच्छे आ रहे हैं। संसारी लोगों को कर्मफल मिलने का समय आ गया। कल्कि भगवान की सुहावनी लीला चली आ रही है, वीरों को वीर गति प्राप्त हो रही है, धर्म के बैरियों का नाश हो रहा है। बड़े बड़े अजगर हवन कुंड में स्वाहा होने के लिए चले आ रहे हैं, और ये सब सुख हमें जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति की बदौलत है, कि क्योंकि इसी के बदौलत कल्कि भगवान आएंगे सही, प्रगटेंगे सही। कल्कि भगवान खड़गधारी, जैसे जैसे भजन करते जाएंगे इन्हीं की बदौलत कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे। ये जो गुरु लक्ष्मीनारायण की जो शब्द थे, कल्कि भगवान की सुहावनी लीला चली आ रही है, ये सब सुख हमें जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति की बदौलत है। खूब भजन करे चले जाओ कल्कि भगवान के यहाँ, अंधेर नहीं देर है, सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम सच्चे मन से कल्कि भगवान के भक्त बने। मन समेत पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि वाणी को कल्कि भगवान में लगाकर अंतस्थल से पुकार करें, ऐसे प्राणी को भगवान अपना स्वरूप बना लेते हैं। सब बड़े प्रेम से आंख पर पट्टी बांधकर बड़े चलो, भजन करे चले जाओ, बेखटके का रास्ता है। इसी के द्वारा हम लोग राम अवतार कृष्ण अवतार में श्री राम व श्री कृष्ण जी के साथ ही रहे हैं, और अब कल्कि नाम की बदौलत हम भी उस अजर अमर मार्ग में खड़े हैं। भगवान की लीला भी अंग्रेजी माया को ग्रास करने के लिए मुंह बाए खड़ी है, न मालूम किस घड़ी क्या हो जाए। सब चिंता फिक्र झंझटों को छोड़कर निश्चिंत भाव से भगवान कल्कि का भजन करो, यही काम आएगा। और फिर उन्होंने जो प्रवचन में जो कहा है, मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूं आशा की बात लेकर आया हूं, मेरे पास निराशा का संदेश नहीं है। मैं आप लोगों के सामने अंधेरे में उजाला लाया हूं, नहीं कुछ मैं सब कुछ लाया हूं। ये उस प्रचार भूमि का हम देखें कि जब ये कल्कि भगवान का हमारे पास ये आश्वासन नहीं था कि जब भगवान कल्ली 4,32,000 वर्ष की परवाह न करके प्रकट होंगे, इसके लिए गुरु जी कह रहे हैं कि मैं नहीं अंधेरे में उजाल लाया हूँ, निराशा में आशा लाया हूँ, और नहीं कुछ में सब कुछ लाया हूँ।